तो ख्वातीन को तो ये बात समझनी पड़ेगी अगर इस रिलेशनशिप को चलाना है तो मार्केट में यही दस्तियाब है, यहाँ से जितने मर्जी तजर्बे कर ले मिलना यही कुछ ही है। ठीक है, हमारे जो रवैये होते हैं उनके रिएक्शन में रवैये बनते हैं। अगर आप वही हैं तो आपके स्पाउसेस वही के वही रहेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा तजर्बा जो है, नया तजर्बा करने से पहले पहले पुराने वाले के अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज ढूंढ ली जाए। ख्वातीन को ये बात समझनी पड़ेगी, स्पेशली जब वो पार्टनरशिप में है, कि सबसे पहले रिस्पेक्ट उनसे रिक्वायर्ड है। होता क्या है, और ये वैसे वाइस वर्सा है, मर्दों की तरफ से भी ऐसा होता है और ख्वातीन की तरफ से भी ऐसा होता है। जैसे ही रिलेशनशिप शुरू होती है, शुरू के 4 अच्छे दिनों के बाद जब जरा ज्यादा फ्रैंकनेस हो जाती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी होने लग जाता है, तो हम बाउंड्रीज को भूल जाते हैं। हम जरा ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। उस फ्रैंकनेस के अंदर ख्वातीन शायद समझती हैं कि वो उसकी हैसियत भी खत्म हो गई है। उसकी हैसियत वो है, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, वो घर में ज्यादा जिम्मेदार हैं, वो आपसे इल्म में ज्यादा हैं, उनके पास एक्सपोजर ज्यादा है। और आप कैसे कर सकती हैं कि डिसएग्रीमेंट की सूरत में आप रिस्पेक्ट को एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन कर दें? ऐसा कैसे हो सकता है? और सिर्फ एडवांटेज आपने इस बात के लिए कि ही हैज बीन नाइस टू यू एंड यू बीन टू फ्रैंक विद ईच अदर। अच्छा, दूसरी बात जो ख्वातीन को समझने की बहुत जरूरत है वो ये है, अल्लाह ताला ने जैसे मिजाज बनाया ना, जैसे कुरान मजीद में भी कहा, हम ख्वातीन को ट्रेनिंग की जरूरत है असर्टिव टॉकिंग की। सही, हमारी बहुत सारे मसाइल ये होते हैं अभी, और आपने इसका जिक्र भी किया, आपको नजर नहीं आ रहा था कि मुझे ये चाहिए था। ठीक है, अभी बता देती ना। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, आपकी अकल क्या ये ऐसी किस्म की हवाई किस्म की एक्सपेक्टेशन, स्टॉप इट। मर्दों का जहन डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है, औरतों का डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है। बात है मर्दों की रिलेशनशिप में भी बहुत प्रोफेशनलिज्म होती है, बिकॉज दे आर कट आउट फॉर द आउटर वर्ल्ड, जो कि बड़ी रूथलेस है और बड़ी वो आयरन रूल्स के ऊपर मबनी है। स्ट्रेट अवे कहिए, वो माइंड नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये असर्टिव टॉक जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में, मैं हमेशा इसको स्टैंड आउट करती हूँ, इसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। मर्दों को भी चाहिए, औरतों को सबसे ज्यादा चाहिए। सही बात, क्योंकि मर्द उनकी निस्बत ज्यादा डायरेक्ट और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और थर्ड थिंग्स जो है जो मैं ख्वातीन की तरफ से समझती हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उसने मारे जज्बात के कह दिया आपको, तुम्हारे लिए तो मैं तारे ले आऊंगा तोड़ के। अब ये समझ नहीं कि वाकई शायद तारे तोड़ के ले आएगा, एक्सक्यूज मी, वो आप ही की तरह का ह्यूमन बीइंग है। उसने कहा मैं तुम्हें क्वीन बना के रखूंगा, रानी बना के रखूंगा। आपने समझा शायद वाकई रानी बना देगा, जब वो खुद ही बेचारा राजा नहीं है तो रानी कैसे बनाएगा। तो बात यह कि अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख्वातीन को खुद लेनी चाहिए। ये जो मर्दों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना कि ये लो मैं गिर गई, मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, और अब तुम उठा के तो मुझे झाड़ो पूछो और मेरा एक जो है ना वो बना के रख दो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तीन चीजें जो है ख्वातीन की साइड से रूट ऑफ द प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।